ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और अब वक्त हो चुका है दिल्ली एनसीआर की 10 बड़ी खबरों का। सेव लिप ड्रॉप्स, लीवर रोगों से मुक्ति एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए रामबाण नुस्खा। एसएस एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, अब सरकारी और प्राइवेट बैंकों से लोन लेना हुआ आसान। शिववानी टेलीकॉम, महा एक्सचेंज में पुराना मोबाइल देकर नया ले जाएं 0% इंटरेस्ट पर। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम, बीते दिन आए 79 मरीज, 2 मरीजों की गई जान। पश्चिम बिहार के सरस्वती विहार वार्ड 65 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उपाध्यक्ष अशोक देवराहा, जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया ने किया वृक्षारोपण। कोविड गाइडलाइंस का पालन न होने पर बंद हुई लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट, साथ ही 7 दुकानें भी की गई सील। बस खरीदने में भ्रष्टाचार के आरोप में भाजपा ने की एसीबी से जांच कराने की मांग, साथ ही परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को इस्तीफा देने की गई मांग। किसानों के साथ आया वाल्मीकि समाज, सरकार को दी दिल्ली में हड़ताल की चेतावनी। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट का बड़ा फैसला, सिख परिवारों के लिए आर्थिक मदद और पेंशन के लिए किया ऐलान। अब 2 किस्तों में होंगे सीबीएसई के एग्जाम, आधा आधा बटेंगे सिलेबस। देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों की सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक योजना लॉन्च की। दिल्ली में बढ़ती महंगाई, तेल के दाम बढ़ने से खाना पकाना हुआ महंगा, बच्चों के लिए दूध पीना भी अब आसान नहीं। नरेला जोन से चेयरमैन बने राम नारायण भरद्वाज। ऐसे ही तमाम भरी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर